और भोपाल से मिल रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। तो टिकट के लिए बीजेपी में विधानसभा का आधार और लोकसभा सीटों पर 23 के नतीजों में परफॉर्मेंस तय करेगा सांसदों का भविष्य। तो कमजोर प्रदर्शन वाली दर्जन भर सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है बीजेपी। तो एमपी की 29 सीटों पर उतारे जा सकते हैं 16 नए प्रत्याशी। 10 कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मिल सकता है मौका। शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र और गोपाल जैसे सीनियर्स को मिल सकता है लोकसभा का टिकट। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ दुर्गेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से तैयारी की जाएगी, क्योंकि देखा जाए लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। और विधानसभा चुनाव की का आधार बनाकर अब लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से देखा गया कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन किस विधानसभा सीट को किस लोकसभा सीट में ठीक रहा और किस में ठीक नहीं रहा। जहां पर थोड़ा सा कमजोर है भारतीय जनता पार्टी को, थोड़ा सा डाउटफुल सीट लग रही है, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है, जिनको लग रहा है कि यह कमजोर कैंडिडेट साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको रिप्लेस कर सकती है। और इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेताओं को भी उतार सकती है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा जैसे नाम दिग्गजों के नाम शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 16 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चेंज करने के विषय में सोच रही है। हालांकि इस विषय पर अभी गंभीर तौर से चर्चा नहीं हुई है, फाइनल निर्णय नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर वहां पर ऑब्जर्व कर रही है कि कहां किस लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है, कितना प्रदर्शन है, उसके आधार पर उसको टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल दुर्गेश, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जो लोग जिन अगर देखा है हम जिन सीटों पर कमजोर नजर आ रही बीजेपी, वहां से कुछ ऐसे उम्मीदवार भी है, या ये कहें कि ऐसे लोग भी जिन्हें हटाया जा सकता है, कुछ ऐसे नेता भी है, उनमें से किन लोगों के नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट तौर से प्रियंका, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर प्रत्याशियों को जरूर भारतीय इस बार लोकसभा चुनाव में रिप्लेस करेगी, जिसमें अगर बात की जाए तो करीब 16 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे देखे हैं जिस पर जो कि अपनी लोकसभा सीट पर कमजोर साबित हो सकते हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी उनको बदलने के विषय में सोच सकती है। और हालांकि अभी नाम निकलकर सामने नहीं आ पाए हैं, मगर 16 सीटों का आंकड़ा जरूर निकलकर सामने आ पाया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को चेंज कर। आप बिल्कुल, अगर हम देखें दुर्गेश, तो जिस तरीके से 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी, और इसी को लेकर देखा जाए तो क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए और उसको लेकर तैयारियां की जा सके। तो इसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही है कि कैसे आखिर रणनीति बनाई जाए, किस तरह की रणनीति हो कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। बिल्कुल स्पष्ट तौर से प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से ही करने में जुट गई थी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर जोन तैयार तय कर दिए हैं, जिसमें करीब 4 लोकसभा सीटों में एक प्रभारी को भारतीय जनता पार्टी में नियुक्त किया है, और यह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता होंगे। जैसे कि अगर बात करें तो मालवा बेल्ट में कैलाश विजयवर्गीय कमान संभालेंगे, शिवराज सिंह चौहान अलग दूसरे बेल्ट में कमान संभालेंगे, उसके अलावा अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम संभाग साइड अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान यह कमान संभालेंगे, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो महाकौशल जोन में प्रहलाद पटेल ये कमान संभालेंगे। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सहित तमाम दिग्गज नेताओं को क्लस्टर जोनों का प्रभारी बनाया गया है, और यही क्लस्टर जोन करीब 4 लोकसभा सीट में एक प्रभारी होगा जो कि पूरी 4 लोकसभा सीटों की मॉनिटरिंग करेगा, उनका सुपरविजन करेगा, और उसी आधार पर उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल दुर्गेश, अगर हम यहाँ शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चूंकि जिस तरीके से कहा
जा रहा था, उनके समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही थी कि जिस तरीके से उन्हें एकदम अलग कर दिया गया था, अलग थलग वो पड़ गए थे। और देखिए कई बार उनका दर्द भी मंच से झलका था, लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें ये सीट दी जा सकती, उम्मीदवार उन्हें बनाया जा सकता है, तो कितनी खुशी उनके समर्थकों में इसको लेकर भी। बिल्कुल, अगर देखा जाए स्पष्ट तौर से प्रियंका, बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद में जैसे ही मुख्यमंत्री बदला गया, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और शिवराज सिंह चौहान के बदले में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थक और समर्थकों का कहीं ना कहीं जो उत्साह था वह जरूर धीमा पड़ गया था और उत्साह कम हो गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को कई कयास लगाए जा रहे थे मीडिया खानों में कि शिवराज सिंह चौहान को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन अभी तक लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंप सकती है और माना जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। चलिए शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।